हेलो गाइज, आज अपन बात करेंगे लिथियम ड्रग्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको लिथियम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। तो सबसे पहले अपन बात करें लिथियम जो ड्रग्स है, लिथियम ड्रग्स है ये है एंटी मैनिक ड्रग है, एंटी मैनिक ड्रग है। तो लिथियम को डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? लिथियम की डिस्कवरी की गई थी जॉन कार्डे के द्वारा 1949 के अंदर। तो 1949 के अंदर जॉन कार्डे है उसके द्वारा लिथियम ड्रग से इसकी डिस्कवरी की गई थी। इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो इसकी जो डोज जो होती है, जो एग्जाम के अंदर जो पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डोज है इसकी 900 से 1200 mg पर डे, 200 से 1200 mg है पर डे है इसकी डोज होती है। और अगर इसकी जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट बात करें ब्लड लिथियम लेवल की, अगर अपन बात करें ब्लड लिथियम लेवल की बात करें तो इसका होता है नॉर्मल 0.62 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होता है इसका नॉर्मल ब्लड लिथियम लेवल। इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यह भी एक इम्पोर्टेंट है, सीरम थेराप्यूटिक इसका लेवल कितना होता है? तो वो होता है 0.82 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यह भी एक इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाता है कि जब अगर आपने लिथियम की डोज दी है तो उस जो ब्लड के अंदर जो लिथियम की जो क्वांटिटी है वो चेक करें तो अपने को कब करना चाहिए? तो लिथियम की क्वांटिटी चेक करने के लिए, सीरम ब्लड लिथियम लेवल चेक करने के लिए आपको जो लास्ट डोज दी हुई होती है उसके 12 से 24 घंटे बाद में अपने को चेक करना चाहिए। ये एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम टाइम पर पूछा जाता है कि नर्सिंग ऑफिसर है और एक जो ड्रग्स जो चल रही है लिथियम की, तो आपको लिथियम सीरम लिथियम जो लेवल है वो ब्लड के अंदर कब चेक करना चाहिए? तो जो लास्ट डोज जो दी हुई होती है उसके 12 से 24 घंटे बाद में अपने को चेक करना चाहिए। अब इसमें टॉक्सिसिटी की अगर अपन बात करें तो टॉक्सिसिटी की अगर बात करते हैं अपन तो टॉक्सिसिटी क्यों होती है और किन किन कारणों की वजह से या कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है? तो सबसे नंबर एक पे अगर रीजन की अगर बात करें तो नैरो थेराप्यूटिक विंडो, अगर थेराप्यूटिक विंडो अगर नैरो हो जाता है उस कंडीशन के अंदर जो थेराप्यूटिक लेवल होता है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? टॉक्सिक लेवल के अंदर। अगर नैरो हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा? थेराप्यूटिक जो लेवल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्सिक लेवल के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसके अंदर वो हो जाता है हाइपोनेट्रेमिया अगर हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या कम हो जाएगा? सोडियम लेवल कम हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर कोई पेशेंट है जिसको अगर लिथियम की जो ड्रग्स जो चल रही है या लिथियम थेरेपी पे अगर कोई पेशेंट चल रहा है तो उसको अपने को क्या चेक करना है? ब्लड के अंदर अपने को क्या चेक करना है? सोडियम लेवल है वो चेक करते रहना है। अगर अपन जो इसमें नर्सिंग का जो मेन रोल रहेगा वो क्या रहेगा? सोडियम लेवल को टाइम टू टाइम इसमें चेक करते रहना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें इसके अंदर अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाता है, ब्लड का अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो उसके कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? डिक्रीज वॉल्यूम अगर हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लिथियम का जो लेवल है वो इनक्रीज हो जाएगा। तो लिथियम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखा जाए तो उसके अंदर
अगर कोई पेशेंट है उसको डोज है इंक्रीज, अगर अपन ने डोज दे दी तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, लिथियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें इसके अंदर इम्पोर्टेंट, लिथियम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपने को कौन कौन से सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था लिथियम का रीजन क्या है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लिथियम है वो उसका लेवल है वो इंक्रीज होता है। तो टॉक्सिसिटी को देखने के लिए अपन एक मेमोनिक्स बना लेते हैं, मेमोनिक्स यही रहेगा, लिथियम ही मेमोनिक्स रहेगा, LiTHIUM। इसी से ही अब अपन चेक करेंगे क्या लिथियम की टॉक्सिसिटी क्या क्या होती है। अब अपन टॉक्सिसिटी देखते हैं, सबसे पहले एल और आई इन दोनों को अगर अपन कंबाइंड करके अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट, ये अपने को ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। टी का हो जाता है यहां पर ट्रेमर, एच का हो जाता है हाइपो थायरोडिज्म, यू और आई, आई और यू का इसमें हो जाएगा यहां पर इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। और एम का हो जाएगा मदर के अंदर ये जो ड्रग्स है ये क्या होती है, एम का हो जाएगा मदर के अंदर जो ये ड्रग्स है ये क्या होती है, टेराटोजेनिक ड्रग होती है, टेराटोजेनिक ड्रग होती है ये। तो जैसे कि अब अपन ने पढ़ा है क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट देखा है, अगर रिवाइजन की बात करें तो लिथियम जो ड्रग्स होती है ये एंटी मैनिक ड्रग्स होती है, फर्स्ट टाइम पे इसकी डिस्कवरी की थी जॉन कार्डे के द्वारा 1949 के अंदर। डोज की अगर अपन बात करें इसमें 900 से 1200 एमजी पर डे इसकी डोज होती है। ब्लड लिथियम लेवल की अगर अपन बात करें 0.62-1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सीरम लिथियम लेवल की अगर अपन बात करें तो 0.82-1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका सीरम ब्लड लिथियम लेवल होता है। और अगर अब किसी पेशेंट को ब्लड लिथियम लेवल चल रहा है तो अपने को जो चेक करना है उसका लिथियम की टॉक्सिसिटी को, तो लिथियम का लेवल को ब्लड सीरियम लिथियम लेवल को अगर अपन चेक करना है तो 12 से 24 घंटे के बाद में जो लास्ट डोज जो दी हुई होती है उसके 12 से 24 घंटे बाद में अपने को चेक करना है। टॉक्सिसिटी किस किस रीजन की वजह से होती है वो हो जाता है, नैरो थेरेप्यूटिक विंडो लेवल अगर हो गया तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा उसके उस कंडीशन में भी जो टॉक्सिसिटी है वो देखने को मिलेगी, और अगर हाइपोनेट्रेमिया हो गया तो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सोडियम लेवल है वो ब्लड के अंदर वो चेक करते रहना है, वॉल्यूम अगर कम हो जाता है या फिर डोज अगर इंक्रीज दी जाती है जिसकी वजह से भी लिथियम की टॉक्सिसिटी होने के रीजन हो जाते हैं। अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई तो वहां पर अपने को कौन कौन से सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे, LiTHIUM एक मेमोनिक्स हो गया, और मेमोनिक्स के थ्रू अपन इसके जो टॉक्सिसिटी के जो कौन कौन से सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलते हैं वो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। L का हो जाएगा इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट, L और I को मिला के इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट, T का हो जाएगा ट्रेमर, H का हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, I का हो जाएगा I और U दोनों को मिला के हो जाएगा इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और एम का हो जाएगा मदर के अंदर ये जो ड्रग्स होती है ये टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है। तो गाइज यही था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगला टॉपिक, धन्यवाद।